आज फर्स्ट नवंबर 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, निराकार कैसे करेगा? तुमने साकार माध्यम लिया, ब्रह्मा बाबा का तन जो हमारे मंदिरों में भी यादगार है, और तो बाद में दूसरा छोटा नंदीगण भी लिया जो हमारे दादी गुजार जी प्रूफ है, आकर के हमारा ज्ञान से श्रृंगार किया, शक्तिशाली बनाया। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? सुदर्शन चक्र क्यों फिराते हो? योग क्यों करते हो? अब 5 पॉइंट दिए उसके। उत्तर है, पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है और हम निरोगी बनते हैं। जितनी आयु बढ़ेगी और बिना रोग के। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं और हम सच्चा सोना बन जाते हैं, यानी आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है और आत्मा कंचन यानी प्योर बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। कुल मिला के ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। कितनी इंपॉर्टेंस है याद की। ज्ञान से समझ आती है कि गलत क्या है, ठीक क्या है। चेंज तो योग से ही आएगी, परिवर्तन तो योग से ही आना है। ये सारी बरसाती योग पर है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना, पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना। कलयुग के संबंध को देखना, दिखेंगे वो, सामने आएंगे, कार्मिक और सब कुछ आता है, देखना नहीं, उन पर गौर नहीं करना। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा अकेले आई थी, अकेले जाना है। ये रिश्तेदार कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है, ये सब फंसाने वाले हैं। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन यानी पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। तीसरे से क्या देखेगा? मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा है। यानी क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। कैसे खत्म होगी? ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। जब फ्री हो मुरली सुनने लग जाओ, जब फ्री हो चक्कर लगाने लग जाओ, बस और कुछ दिख नहीं चाहिए। ये अपना श्रृंगार करना है। वरदान, मन मना बहो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। कौन राजा? बाप समान, क्योंकि हम मनोरंजन मना रहे हैं।
कैसे मन बनाने हैं? मन मना होकर अलौकिक विधि से. मन मनाओ में अपने को आत्मा में बाप को याद करो. फिर अलौकिक विधि क्या है? ज्ञान योग की विधि, पवित्रता की विधि, प्रेम की विधि. इससे प्रेम में आपको मनोरंजन आना चाहिए, पवित्रता में मनोरंजन आना चाहिए, तब कहेंगे बाप समान. ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, मन मनवा हो अलौकिक विधि से. लौकिक में शरीर आ गया, अलौकिक मैंने आत्मा आ गई. मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव. विस्तार बाबा ने समझाया, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना. ये संगम युग है, ये संगम युग के सुहेज हैं, है ना? क्या ये मनोरंजन है संगम युग के? खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ. सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन बनाओ. आत्मा समझ के बाबा के पास अब मनोरंजन बनाओ. यानी अलौकिक विधि से अलौकिक का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है. संगम युगी दीप माला की विधि, संगम युगी दीप माला की विधि क्या है? पुराना खाता खत्म करना, यानी हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो. एक सोच ही बदलनी है, अच्छी सोच लाओ नई दुनिया आ जाएगी, बुरी सोच है पुरानी दुनिया बैठे. सोच बदलनी है, बोल बदलेंगे, दृष्टिकोण बदलेगा, बिहेवियर बदलेगा, संस्कार बदल जाएंगे. यानी पुराने संकल्प स्वभाव संस्कार चाल चलन ये रावण का कर्जा है, कर्जा. इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त कर दो. दृढ़ता का संकल्प भी क्या करना है? सारे कर्जे खत्म. उसके लिए स्लोगन है, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो. बातें तो लास्ट तक आएंगी, बातें तो गिराएंगी, बातें सुन सुन के, बातें देख देख के घोर कलयुग तक आ गए. अब बातों को नहीं पकड़ना, क्या करना है? स्वयं को बाप देखो और बाप को देखो. स्वयं कौन है? शांति के सागर के बच्चे, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप. और वो है शक्ति देने वाला, प्रेम देने वाला, आनंद देने वाला, बस वो ही देखो बस. ओ शांति.